हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक कंटर मैथ्स ऑफ 8 क्लास उसका चैप्टर 5 जिसका नाम एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स है और उसकी एक्सरसाइज नंबर B5 ही है जो कि हम इस लेक्चर में शुरू कर रहे हैं। सो बेटा, वो स्टूडेंट्स जो हमें लेक्चर नंबर 12 से ज्वाइन कर रहे हैं, 8 के लिहाज से हमारा ये लेक्चर नंबर 12 है, और वो दोस्त जो यहीं से ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर नंबर अगर 1 से तमाम लेक्चर्स को देखेंगे तो बेटा उनके नोट्स, उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जस्ट बुक पे ही सॉल्व करने वाला है, लिहाजा मैंने आपके सामने लिखा है थोड़ा सा आपको नॉलेज देने के लिए। आप कोशिश करें अपनी बुक अपने सामने रखें ताकि जो मैं आपको यहाँ से इसकी फिल इन द ब्लैंक्स और इसका जो ट्रू फॉल्स है वो समझाऊँ, तो आपने बेटा इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है कि किस तरीके से आपने ये फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करने हैं। अगर तो देखें आपकी आपको लिखा व्हाइट बोर्ड पर हर लफ्ज़ क्लियर नज़र आ रहा है, सो वेल एंड गुड। अगर बेटा कुछ ब्लर है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो रिक्वायर्ड 360 है, लेकिन अगर वाईफाई या नेट की स्पीड अच्छी है तो आप 480 या 720 पर अगर आप अपने लेक्चर को देखेंगे मोबाइल की ब्राइटनेस को तेज़ करके हॉरिजेंटली कर लें तो आपको वाइट बोर्ड पर लिखा एक एक लफ्ज़ क्लियर नज़र आएगा। इसी के साथ आप ज़रा बेटा अपनी बुक को खोलें और पेज नंबर 62 पे देखें। 62 पेज पे आपको वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है एक बॉक्स के अंदर जो कि आपके जो ट्रू फॉर ये फिल इन दी ब्लैंक्स है उसमें पहला जो फिल इन दी ब्लैंक्स जो सोर्ड के हवाले से है, लफज सोर्ड आ रहा है वहाँ से अगर आप कुछ देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि सोर्ड हम कौन सी इक्वेशन को कौन से नंबर को बोलते हैं। अगर कोई नंबर स्क्वेयर रूट के अंदर लिखा हो, देखिए ना मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि एक नंबर है हमारे पास अंडर रूट 2 ही है या और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर चले 3 नहीं बल्कि कोई भी एन नंबर लिखा हुआ है, एन से मुराद कोई नंबर है। अब ये अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये कंप्लीट स्क्वेयर नहीं आएगा इसका, लेकिन अगर 25 अंडर रूट 25 हो सो ये बेटा जी ये है तो सोर्ड लेकिन ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा बाहर जो कि एक रैशनल नंबर होगा, एक होल नंबर होगा। लेकिन अगर आप इसको करते हैं अंडर रूट 2 को और अंडर रूट 2 अगर आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड करते हैं तो बेटा इसका आंसर जो आएगा वो 1.14 या 414 आएगा जो कि हमारे होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। सो वहां पर आप डेफिनेशन देखें उस बॉक्स के अंदर लिखा है कि ऑल सॉर्ड्स आर रेडिकल्स बट नॉट ऑल रेडिकल्स आर सॉर्ड। ये देखें ना, जो भी नंबर इस तरह लिखा होगा वो सॉर्ड कहलाता है, बट तमाम जो उसने कंडीशन दी है बट नॉट ऑल रेडिकल्स, जैसे कि ये मैं बात कर रहा हूं। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको रेडिकेंड बोलते हैं और ये जो नंबर लिखा होता है स्क्वेयर रूट की फॉर्म में इसको हम रेडिकल कहते हैं। ये आपने शॉर्टकट में याद रखना है क्योंकि अलजबरा के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। नंबर 2 पॉइंट्स पे है कि इरेशनल नंबर्स एंड सॉर्ड्स आर नॉट सिनोनिमस। बेटा ये दोनों कभी भी आपने याद रखना है कि इरेशनल नंबर और जो सॉर्ड्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं है, सिनोनिमस नहीं है, एक जैसे नहीं है। इरेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं कि इरेशनल की डेफिनेशन अगर आप देखें तो इरेशनल नंबर्स हम उनको कहते हैं कि कोई भी दो नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हों, और दूसरा ये कि पी और क्यू जो है ये बिलोंग करता हो सेट ऑफ इंटीजर से, तो
नंबर वन इसकी कंडीशन ये है, नंबर टू ये, और नंबर थ्री जो है उसमें ये है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नंबर थ्री कंडीशन है। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे कि ये रैशनल है। जो इस कंडीशन को अप्लाई ना करें, इन तीनों कंडीशन से आपने हर नंबर को गुजारना है, अगर जो इन तीनों कंडीशन पर वायलेट हो जाए तो वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। यानी अगर पी की जगह देखें मैं लिखा लिखा मिल जाए हमें 3/2, तो देखें पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, पी और क्यू बिलोंग करते हैं, देखें 3 भी और 2 भी सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी जरा ख्याल कर लें, 0, ±1, ±2, ये तमाम नंबर जो हैं ये आपके क्या होंगे, ये अप टू सो ऑन, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें प्लस माइनस 0 से लेके ±1, ±2 तमाम नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर जो होंगे वो आपके सेट ऑफ इंटीजर्स में लाई करते हैं। सो ये देखें p बाय q की फॉर्म में लिखा हुआ है और p q बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स से, ओके है, दूसरी कंडीशन भी ओके है, और तीसरी कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस यहां 2 है, सो ये q भी नॉट इक्वल टू 0 है। सो ये नंबर क्या है हमारा, ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। अब अगर यही नंबर 3/0 की फॉर्म में लिखा हो, अब देखें पहले कंडीशन पे अप्लाई करें कि p बाय q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ओके, दूसरी कंडीशन कि p q जो है वो बिलोंग करते हो सेट ऑफ इंटीजर से, तो बेटा देखें 3 भी बिलोंग करता है, 0 भी बिलोंग करता है, इट मींस दूसरी कंडीशन b इसमें अप्लाई कर गई कि ये रैशनल नंबर की दोनों कंडीशंस जो है वो अप्लाई हो रही है। जबकि तीसरी कंडीशन देखें, यहां पर वायलेशन आ रही है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या है, ये तो 0 हो गया q, ये नंबर जो होगा वो इरेशनल कहलाएगा। सो अब आपने ये शॉर्टकट सी मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बता दी है कि जी रैशनल और इरेशनल को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब आपने देखना है इसकी एक एक्सरसाइज या इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यानी कि ट्रू फॉल्स पे, अ सॉल्ड इज अ स्क्वायर रूट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ डैश नंबर। तो बेटा इसमें आप जस्ट जो पहली फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे वो आप ये लिखेंगे कि एक सॉल्ड जो है वो एक ऐसा स्क्वायर रूट होता है, अगर उसका स्क्वायर रूट लें तो उसको रिड्यूस करके आप एक होल नंबर में नहीं ला सकते, यहां पर आएगा होल नंबर। दूसरा है द रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y इज डैश। तो बेटा याद रखना रेसिप्रोकल के अंदर आप किसी भी वैल्यू को डिवीजन में है उसका अगर आप पलट कर लिख लेंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। जैसे इधर लिखा है 1 डिवाइडेड बाय y है यानी 1 बाय y है, सो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, y ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिहाजा इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो जस्ट y होगा। द थर्ड पावर ऑफ द बेस 5 इज, थर्ड पावर यानी कि 3 अगर करें 5 की पावर 3 करें तो देखें 5 को 3 टाइम लिखें, 25 into 5 125, यानी अगर 5 की पावर आप थर्ड करते हैं यानी 3 करते हैं तो वो नंबर क्या आएगा, तो वो 125 आएगा। x raised to power 1 by 3 is expressed in the radical form as, ये देखें आप से डिमांड यहाँ की गई है कि आप एक नंबर है जो x raised to power 1 by 3 है इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक चीज याद रखनी है, हम इस नंबर को रेडिकल बोलते हैं और जो इसके अंदर नंबर लिखा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल x है इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, ये रेडिकल है ये रेडिकेंड है। इसको अगर मैं कहूँ कि सिंप्लीफाई करें तो x की पावर 1/2 लिखी जाती है। बेटा आपने याद रखना है x के ऊपर जो भी पावर इस फॉर्म में लिखी हो, यहां पर मैंने n लिख दी है, n से मुराद कोई भी नंबर है, सो इसको क्या करेंगे x की पावर 1/n बना देंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर कुछ इस तरह लिखा हो तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी x लिख के जो भी उसकी 1/ की फॉर्म में पावर होगी आपने उसको यहां पर मेंशन कर देना। सो जरा इसको भी मेंशन करें, x की पावर 1/3 है यानी क्यूब रूट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x। नंबर 5, द बेस रेज टू द पावर ऑफ डैश इज इक्वल टू 1, ये चैप्टर 4 के अंदर हम करके आए हैं, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर जो है वो 0 हो जाए
तो वो इक्वल टू वन आता है, इट मींस यहाँ पर आप जीरो लिखेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर जिस जो बेस में लिखा हो और उसकी पावर जीरो कर देंगे तो वो इक्वल टू वन के आएगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो वन है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसी के साथ बेटा जी ये आपका ट्रू फॉल्स देखें, लिखा है अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 प्रोड्यूसेस अ सोर्ड। यानी सोर्ड मैंने अभी आपसे कहा है कि आप अपने पेज नंबर बुक के पेज नंबर 62 पे देखें, वहां पर एक बॉक्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है सोर्ड के बारे में, यहाँ लिखा है अंडर रूट 8 अंडर रूट 6। तो बेटा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें अंडर रूट 8 दोनों को मैं एक ही अंडर रूट के नीचे मेंशन कर लेता हूँ तो मेरे पास 48 आ रहा है जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर इसको मैं अंडर रूट खोलूंगा सो मेरे पास कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। सो ये एक इरेशनल नंबर आया, यानी इरेशनल नंबर है या रैशनल है, तो देखें क्या लिखा है कि ये प्रोड्यूस करता है एक सोर्ड को, तो ये ट्रू है क्योंकि देखे ना अगर तो ये कंप्लीट होता तो ये सोर्ड नहीं कहलाता, ये फिर एक रैशनल नंबर कहलाता। लेकिन अगर यहाँ पर ये दोबारा से एक सोर्ड नंबर ही आ रहा है इन दोनों को सॉल्व करने से, सो ये वाला नंबर आपका पहला जो है वो ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ सोर्ड। आप आए दोबारा से जरा पेज नंबर 62 पर देखें, उसका जो लास्ट पॉइंट उसने लिखा यही है कि ऑल सोर्ड्स आर इरेशनल, तमाम सोर्ड्स जो होते हैं इस तरह से वो इरेशनल होंगे, बट नॉट ऑल इरेशनल नंबर्स आर सोर्ड। कि एवरी इरेशनल नंबर जो होगा वो सोर्ड होगा या लिखा है, लेकिन वहां पर ये कंडीशन है कि इज नॉट अ सॉर्ट, तो लिहाजा ये आपका नंबर क्या है, फॉल्स है। नंबर सी द प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडिसेस स्टेट्स दैट, कि यानी कि जो लॉ ऑफ प्रोडक्ट है उसके अंदर जो तमाम जो वैल्यूज होती हैं अगर तो बेसिस सेम हो तो उनकी पावर बेटा प्लस हो जाती है। ये याद रखना है आपने, यानी बेसिस सेम पावर प्लस हो जाएगी। वो कह रहा है कि a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। मैंने अभी बोला है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या कर देंगे हम, प्लस करेंगे, लेकिन यहां पर देखें उसने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। नंबर 4 में व्हेन x रेज टू पावर 3 इज डिवाइडेड बाय x की पावर 5, देखें सॉल्व करें जरा, x की पावर 3 को वो कह रहा है डिवाइड करें अगर x की पावर 5 से, सो आंसर हमारे पास आएगा x रेज टू पावर 6 सॉरी -4। जब भी बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस करते हैं, बेसिस डिवाइड हो सो पावर माइनस करते हैं, ये याद रखना है आपने। तो देखें x की पावर ऊपर 3 है, नीचे से 5 ऊपर जाएगा सो -5 हो जाएगा, तो x रेज टू पावर एक्स की पावर क्या आई, -2 क्या आई है, देखे ना कि सेम बेसिस सो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या आ रही है 3 -5 है सो -2 आएगी, जबकि यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है कि एक्स की पावर -4 आएगी, सो ये नंबर भी आपका क्या हुआ, फॉल्स। इसी के साथ 5 रेज टू पावर 4 (2) इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 4 + 2। तो बेटा ये देखें जब ब्रैकेट के बाहर पावर आ जाती है, ये देखिए ना ब्रैकेट के अंदर पहले बेस है, बेस की कुछ पावर है और उसके पावर के बाहर ब्रैकेट में कुछ फिर पावर दी हुई है, तो ये दोनों पावर्स आपस में प्लस नहीं करते, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 4 2 8 आ रही है, जबकि यहाँ पर उसने कर दिया है 5 रेज टू पावर इनको प्लस कर दिया तो ये तो 6 आ रहा है, क्या ये दोनों इक्वल है, कभी भी इक्वल नहीं है, सो ये नंबर भी आपका फॉल्स है। यानी आपका जस्ट इसमें जो फर्स्ट नंबर था वो आपका फॉल्स ट्रू है, बाकी इसके जो रिमेनिंग 4 पार्ट हैं वो तमाम के तमाम फॉल्स है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका हम जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड उनको सॉल्व करते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट देखें फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू पावर 2 इसको हम बेस बोलते हैं, दिस नंबर इज नोन एज अ बेस, और इसको बेटा जी एक्सपोनेंट कहते हैं।
यानी इसके साथ अगर ये इस तरह भी लिखा होता तो ये सारी आपकी बेस ही कहलाएगी, लेकिन अगर आपने ख्याल करना है कि इसको भी आप क्लैरिफाई करें, सो बेटा ये जो नंबर होगा इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो ऊपर साथ ये लिखा होता है इसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल मतलब बेस ही होती है, लिहाजा जो ऊपर लिखा होगा इसको एक्सपोनेंट, या एक्सपोनेंट का दूसरा नाम है पावर, यानी इसको पावर भी बोलते हैं, पावर और एक्सपोनेंट एक ही नाम है। अब आपसे वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो नंबर्स जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5, इनको आप एक्सपोनेंट बनाकर लिखें, यानी एक्सपोनेंट से मुराद ये देखिए 1 2 3 4, अंडर रूट 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसको अगर इस तरह लिख लूं अंडर रूट 3 लिख के इसको 4 टाइम्स है, सो इसकी पावर में 4 बना देता हूं। इस 4 का मतलब है कि ये नंबर जो नीचे लिखा हुआ है इसको 4 टाइम हम लिख सकते हैं, सो ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है 8। अब ये क्या हो सकता है, इसको आप इस तरह से ब्रेक कर लें, देखिए 2 पे ब्रेक करेंगे, 2 2 इज 4, 2 1 इज 2, 1 2 3, यानी 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 8, सो 1 2 3, 2 की पावर हम 3 भी लिखेंगे, सो ये भी इक्वल टू 8 ही होगा, यानी जो नंबर जितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको क्या करें उसकी पावर बनाकर भी लिख सकते हैं कि इतनी बार ये नंबर आ रहा है। अब 2 बाय 3 है, अब इसकी पावर 1 है, नीचे 3 की पावर भी 1 है, अगर इसको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 बाय 3, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, सो ब्रैकेट लगाकर दोनों की हम 1 पावर बाहर लिख देते हैं। अंडरस्टूड बात है कि दोनों की पावर देखिए एक एक तो है ही ना, सो एक हमने बाहर लिख दिया। अब अगर आप इसको खोलेंगे 1 इसको दे दे 1 इसको दे दे, वही आंसर आ जाएगा। ये वाला भी आपने क्या करना है, 8 ऊपर 8 है नीचे 27 है, 8 को तो हमने ब्रेक किया हुआ है, इसी तरह से 27 को ब्रेक करते हैं, 3 पे 3 3 3 9 जा 27, फिर 3 पे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी ये 3 पे हमारे पास 3 टाइम्स आया तो दैट इज इक्वल टू 27, सो मैं यहां पर लिखता हूं 8, देखिए 8 को अगर हम ब्रेक करेंगे सो 2 2 एंड 2 लिखेंगे, नीचे वाला है 3 3 एंड 3 लिखेंगे, यानी 3 टाइम्स 3 लिखा दैट इज इक्वल टू 27, 3 टाइम्स 2 लिखा तो वो इक्वल टू 8 है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म बनानी है, सो 2 को हम लिख लेते हैं 2 की 2 रेज टू पावर 3, 3 को भी हम लिख लेते हैं 3 रेज टू पावर 3, तो बेटा देखें दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में ये पावर जो है 3 3 ये कॉमन आ रही है, सो 2 बाय 3 लिख के पावर आप बाहर लिख दें 3। अब इस पावर को जब आप खोलेंगे आप इस 2 को पावर 3 अलहदा दे देंगे, 3 को पावर 3 अलहदा देंगे तो ये चीज बनेगी, इसको मजीद आप खोलेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/27 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर आप चेक करें, सेम बेस कानून अब याद रखने हैं आपने, ये सेम बेस हो तो पावर, और देखना बेस क्या हो रही है, बेस अगर सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है सो पावर आपने प्लस कर देनी है, सेम बेस हो और वो डिवाइड हो रही हो तो पावर याद रखना है माइनस करनी है आपने। सो यहां पर देखें सेम बेस एक बार लिख ले, पावर क्या करनी है प्लस करनी है क्योंकि बेस मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहां पर माइनस 3 है सो माइनस 3 प्लस माइनस 3, 2 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 आ गया, सो बेटा देखें क्या हो रहा है 2 रेज टू पावर माइनस 6, अगर आप ये नंबर देखें ना 2 की पावर माइनस 6 आया, इसको अगर आप पॉजिटिव करना चाहें आंसर तो वैसे ये ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर इसको आप पॉजिटिव करना चाहें कि 2 रेज टू पावर माइनस 6 है सो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं और नीचे पावर 6 जो होगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी, इसके ये दोनों आंसर आप कंसीडर कर सकते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन नंबर 3 के तकरीबन तमाम पार्ट्स जो है ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आपने ये हर क्वेश्चन के साथ इक्वलिटी का साइन भी लगाना है, सो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सारा मैंने कुछ रफ अमल किया था ताकि आपको समझ आ सके, इसको आप बेटा एक बार गौर से देखें, हर क्वेश्चन को गौर से आपने समझना है, समझ के करना है,
क्योंकि इसी की बेस पर आपकी क्लास 9th और 10th का जो अलजेब्रा है वो बेस करता है। सो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द बेस एंड एक्सपोनेंट। देखिए इसमें जस्ट ये दो चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। मैं भी आपको थोड़ी देर पहले ये बता चुका हूँ कि कौन सी बेस होगी कौन सा एक्सपोनेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जस्ट आपने बेस को और एक्सपोनेंट को अलग अलग करना है। आपने ये ख्याल कर लेना है कि जो भी वैल्यू ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है ऊपर लिखी हुई है वो एक्सपोनेंट है, और जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर है या नीचे लिखा हुआ है वो आपका आपकी बेस है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है, सो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 4 है। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और जो ऊपर लिखा है वो आपका एक्सपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट बेस क्या है बेटा जी, 4 है। इसके ऊपर 1 तो है, हर नंबर जो भी लिखा होगा अगर उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो 1 जरूर लिखा होगा, यानी 1 जरूर होता है। सो इसका एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे हम, एक्सपोनेंट में ये ख्याल कर लें जस्ट ई एक्स पी से लिख रहा हूँ, सो वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, सो बेस क्या है बेटा। अब देखें यहाँ पर एक मजे की बात ये देखें कि बच्चे इसको भी एक्सपोनेंट कहेंगे इसको भी एक्सपोनेंट कहेंगे। तो बेटा आपने ये ख्याल करना है बेस जो है ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा वो आपकी तमाम बेस कहलाएगी, और जो बाहर लिखा है वो आपका एक्सपोनेंट है जो कि इक्वल टू है 5 के। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखें, एक्स के आपकी बेस इक्वल टू एक्स है, सो एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास है -4। साइन के साथ आपने उठाना, ये ख्याल करना है साइन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बेस क्या है, यहाँ पर आपके पास अंडर रूट 5 है, सो एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर जस्ट 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखें बेस 1 है, एक्सपोनेंट भी 1 है, यानी 1 की पावर भी 1 ही है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास जो बेस है तो बेटा बेस आपकी अंडर रूट 3, एक्सपोनेंट आपके पास 1/2 है। सो क्वेश्चन नंबर 8 बेस आपके पास 5, एक्सपोनेंट 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें, सो बेस जो है दैट इज इक्वल टू 3a² जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा, सो एक्सपोनेंट जो होगा वो आपके पास है जस्ट 0। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो बेस इक्वल टू a² है और इसकी जो ना एक्सपोनेंट जो होगा वो 1 के इक्वल है। सो क्वेश्चन नंबर देखें जस्ट 4 के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट बेस को और आपने एक्सपोनेंट को का ख्याल रखना है कि किसको बेस कहा जाता है किसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। सो इसी में आपने बस जस्ट यही क्लैरिफाई करना था। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ, इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें जस्ट ये लिखा है कि आप इन तमाम पार्ट्स को एवेलुएट करें। सो बेटा आपके पेपर के लिहाज से यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अक्सर पेपर में आ जाते हैं, आपने जस्ट इनको एवेलुएट कैसे करना है इनका मेथड देखना है। अक्सर शॉर्ट में या लॉन्ग में भी ये अक्सर हम सवाल इधर से कोई ना कोई लगा देते हैं, तो इसलिए आपने इन हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 4 इंटू ए रेज टू पावर 3, लेकिन उसके ऊपर पावर क्या है 0, और जिसकी भी पावर 0 होती है डेट इज इक्वल टू 1। तो देखिए बेटा ये ए रेज टू पावर 3 है लेकिन इस पूरे की वैल्यू 0 ऊपर पावर 0 है, सो मैं इसको डायरेक्टली क्या करता हूँ 1 के इक्वल पुट करता हूँ, तो 4 वन जर 4, सो ये इसका आंसर आ गया। इसमें देखिए तो अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बाहर पावर है -4। तो देखें अंडर रूट 3 को, यानी कि अंडर रूट 3 की वैल्यू जो बेसिकली होती है वो 1/2 होती है, ये आपने ख्याल करनी है। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है अगर सादा अंडर रूट पड़ा हो, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ पावर 5 दे दे तो इट मीन्स अब इसकी पावर 1/5 है।
अब यहां पर देखें जस्ट अंडर रूट है, इट मींस 3 की पावर 1 बाय 2 है और ऊपर पावर माइनस 4 है। ये पावर और ये पावर आपस में देखें कैंसिल हो रही है, सो कर दें आप इसे, तो ये 2 जस्ट बाकी क्या है 3 रेज टू पावर माइनस 2। इसे अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अगर पावर माइनस में आ जाए तो उसे डिवीजन में आप लेके आएंगे, सो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसे पॉजिटिव हो गई है, नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे क्या कर सकते हैं कि 1/3 का स्केयर खोलेंगे सो 9 आ जाएगा। सो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसका पार्ट 3 देखें, इसमें लिखा अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 0। सो बेटा वही काम कि आप 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0 इट मींस कि ये इक्वल टू 1 होगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आप 4 को ब्रेक करें जरा, देखें 2 1 से 2 यानी 2 टाइम हम इसको लिख सकते हैं 2 को, 2 into 2 अंडर रूट और नीचे 2 की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये देखें 2 की पावर 2 का स्केयर लिख सकते हैं और रेडिकल को हम 1 बाय 2 बना सकते हैं, सो ये इससे कैंसिल होगा, सो आंसर आपके पास 2 ही आ जाएगा। लिहाजा ये 1 यहीं पे खत्म हो गया, 1 को आगे मजीद लेके चलने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर देखें तो यहाँ पर भी वही कुछ बात है कि यानी 2 की पावर 2 का अंडर रूट है तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 बाय 2, बाहर पावर 6 है तो देखिए ये फिर इससे कैंसिल होके बेटा 2 की पावर बाकी आएगा 3 1 जर 3 इन 2 की पावर 3, और 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम लिखें और इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जर 4 4 2 जर 8, सो इसका आंसर 8 आ गया। यहां पर देखें तो ये डायरेक्ट कुछ ये फॉर्म बनी हुई थी तो मैं इसको यहां से ही डिलीट कर देता हूं, यानी काट देता हूं कैंसिल करता हूं तो 4 आएगा। सो 2 की पावर 4 1 जर 4 और 2 को 4 टाइम्स अगर करते हैं तो बेटा ये देख लें आप खोल के इसको आप करें 2 2 जर 4 4 2 जर 8 8 2 जर 16, सो ये इसका आंसर आएगा। देखिए एक एक स्टेप पर ये सवाल सॉल्व होने वाले हैं, जस्ट आपने मेथड को कॉपी करना है कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। तो जरा ये इक्वालिटी का साइन भी आपने हर स्टेप पे साथ साथ अप्लाई करते जाना। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कम्प्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो है वो लिखा हुआ है 16 रेज टू पावर 4 3 बाय 4, 16 को आप पहले ब्रेक करें, देखें यहीं पे ब्रेक करते हैं 16, सो 2 8 जर 16 2 4 जर 8 2 2 जर 4 2 1 जर 2, यानी ये देखें 4 टाइम्स 2 आया, सो मैं क्या लिखूं इसे 2 रेज टू पावर 4 और ऊपर पावर है 3 बाय 4, तो बेटा ये 4 4 से कैंसिल 2 की पावर 3, इट मींस 2 2 एंड 2 दैट इज इक्वल टू 8, सो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ 256 256 को भी ब्रेक करके देखते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 कैरी 1 कैरी यहां पे आएगा, सो कितना 16 हो जाएगा, सो 2 8 जा 16, फिर से दोबारा से बेटा 2 पे डिवाइड हो रहा है सो 2 पे करेंगे सो 2 6 जा 12 2 4 जा 8, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 6 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, जब तक ये 1 नहीं आया आपने इसको छोड़ना नहीं, इसे मजीद ऐसे डिवाइड करते जाना। सो देखें कितने आए, यानी 8 टाइम्स 2 आया, तो आप इसे लिख लें 2 रेज टू पावर 8 और 5 बाय 8 वो गिवन है, यानी 2 की पावर अगर आप 8 करते हैं तो वो भी इक्वल टू 256 के ही है। ये देखिए इसको ब्रेक करके हमने देखा, सो ये 8 इस 8 से कैंसिल हो रहा है, सो 2 की पावर बाकी जो बच रहा है वो 2 की पावर 5 बच रहा है, 2 की पावर 5 को अगर 5 टाइम्स खोलते हैं तो देखें क्या आता है, 5 टाइम्स इसे लिखा 2 2 जर 4 4 2 जर 8 8 2 जर 16 16 इंटू 2 32, सो इसका आपका आंसर 32 आ गया। यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। 1 बाय 4 1 बाय 4 देखें 1 डिवाइडेड बाय 4 है, सो इसे क्या करें, 1 मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 2 3 बाय 2 एज इट इज, ये देखें ना 1 बाय 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इट मींस 2 की पावर 2 क्या होगा इक्वल टू 4 ही होगा। अब ये देखें यहां पर ये डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, मैं अगर इसे न्यूमिनेटर में लेकर आऊं सो क्या होगा 2 की पावर माइनस 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने इसकी डिवीजन चेंज की है
डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर में लेकर आए हैं, सो पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये ख्याल रखना आपने। और ऊपर पावर है 3/2 एज इट इज। देखिए माइन टू टू से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 2 की पावर 3 जो कि इक्वल टू क्या है, 8 के है। ये बार बार हम करके आए, देखें ये 2 को 3 टाइम खोलेंगे तो 8 आएगा। 125 125 को जरा ब्रेक करें, 5 पे हो रहा है, 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5, 3 टाइम 5 आ रहा है। सो हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 125 आएगा, और 4/3 वायर गिवन है, ये 3 3 से कैंसिल, 5 की पावर 4। 5 को 4 टाइम्स खोलें जरा, 5 इनटू 5 इनटू 5 इनटू 5, तो बेटा 5 5 जा 25, 25 इनटू 5 125, एंड 125 इनटू 5 625 आपके पास आंसर आएगा इसका, 243। सेम वही प्रोसेस ब्रेक करें 243 को, देखें तो ये 3 पे ब्रेक हो रहा है, फिर 3 पे ब्रेक हो रहा है तो 27 आ जाएगा 3 पे, 3 9 जार, फिर दोबारा से देखें 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 जार 9, फिर 3 पे जा रहा है 3 1 जार 3, यानी ये देखें 5 टाइम जो है वो इसमें भी 3 आया। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 रेज टू पावर 5 इक्वल टू क्या आएगा, 243 के। सो 1/5 एज इट इज ऊपर गिवन है वो लगा दी, ये देखें 5 5 से फिर कैंसिल हो रहा है, सो 3 की पावर माइनस 1 बाकी बची। अब ये चेक करें 3 की पावर माइनस 1 आ गई है, मैं इसको पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको 1/3 रेज टू पावर 1, नीचे यहाँ पर भी 1 है लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 हो तो उसे लिखना जरूरी है, अगर पॉजिटिव हो जाए तो नेवर माइंड, अगर ना भी आप मेंशन करें, सो इसका आंसर 1/3 आपके पास आ चुका है। सो ये बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जो कि सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा कंप्लीट हुआ। सो आपने जरा ये ख्याल करना है, मैंने सब में आपका ये बताया कि इक्वल का आपने साइन लगाना है, सो आपने ये सब के साथ मेंशन जरूर करना है क्योंकि इसके बाकायदा नंबर्स होते हैं आपके, तो अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप ये उम्मीद कर लें कि मैं आपका एक नंबर जो है वो काट सकता हूँ। सो यहाँ पर आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 तक, बल्कि 5 तक हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल चैप्टर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से, वहाँ से क्वेश्चन 1-2 आते हैं। सो शॉर्ट के हवाले से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स कंप्लीट करें, अपने होमवर्क कंप्लीट करें और मुझे उसकी पिक्चर्स वगैरह व्हाट्सएप करें। और यहाँ तक के लिए इतना ही, और बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि कमेंट्स देखें अगर आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा देख रहा है और कौन सा नहीं देख रहा। आपसे मैं जब भी अक्सर बात करता हूँ तो आप कहते हैं सर हम देख रहे हैं, लेकिन मैं कैसे ये मान लूँ कि आप देख रहे हैं जब तक आप कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। सो ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।